जय श्री कृष्णा। आज गुरुवार के दिन आइए सुनते हैं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की यह कथा। आज के दिन श्री हरि यानी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। विष्णु जी से संबंधित कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कथा आज हम आपके लिए लाए हैं। इस कथा में यह बताया गया है कि आखिर कैसे हुआ था विष्णु जी को देवी लक्ष्मी ने रुला दिया था। आइए सुनते हैं यह कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री हरि एक बार धरती भ्रमण के लिए जा रहे थे। तब देवी लक्ष्मी ने उन्हें कहा कि वो भी उनके साथ चलना चाहती हैं। तब विष्णु जी ने कहा कि वो उनके साथ एक शर्त पर ही चल सकती हैं। लक्ष्मी जी ने शर्त पूछी तो विष्णु जी ने कहा कि धरती पर चाहे कोई भी स्थिति क्यों न आए, उन्हें उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखना है। लक्ष्मी जी ने शर्त मानी और श्री हरि के साथ चल दी। जब दोनों धरती का भ्रमण कर रहे थे तब देवी की नज़र उत्तर दिशा की तरफ पड़ी। वहीं इतनी ज़्यादा हरियाली थी कि वो खुद को रोक न पाई और बगीचे की तरफ चल दी। वहां से उन्होंने एक फूल तोड़ा और विष्णु जी के पास आ गई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को देखते ही रो पड़े। तब माँ लक्ष्मी को विष्णु जी की शर्त याद आ गई। श्री हरि ने कहा कि बिना किसी से पूछे किसी भी चीज को छूना अपराध है। यह सुन देवी लक्ष्मी को एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है। उन्होंने माफी मांगी लेकिन श्री हरि ने कहा कि इसकी माफी को बगीचे का माली ही दे सकता है। विष्णु जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को माली के घर दासी बनकर रहना होगा। लक्ष्मी जी ने यह सुन तुरंत ही गरीब औरत का वेश धारण किया और माली के घर चली गई। कभी खेत में तो कभी घर में माली ने उनसे काम कराया। लेकिन जब माली को पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी है तो वो रो पड़ा। उसने कहा कि जो भी उसने किया उसके लिए उसे माफ कर दें। तब लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो भी हुआ वो नियति थी, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। लेकिन माली ने जिस तरह से लक्ष्मी जी को अपने घर का सदस्य समझा, उन्होंने उसकी झोली आजीवन सुख समृद्धि से भर दी। उन्होंने कहा कि अब जीवन में उसके परिवार को किसी भी तरह का दुख नहीं भोगना होगा। इसके बाद वो विष्णु लोक चली गई। एक और कथा के अनुसार एक बार अपने पति विष्णु से नाराज होकर देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर वास करने आ गई थी। पृथ्वी पर वह गोदावरी नदी के किनारे एक आश्रम में रहने लगी और एक दिन अपनी पत्नी की तलाश करते हुए भगवान विष्णु स्वयं धरती पर आकर शेषाद्री नदी के समीप पहाड़ी पर रहने लगे। विष्णु और लक्ष्मी के बीच इस अलगाव की वजह से भगवान शिव और ब्रह्मा भी बहुत परेशान थे। इसलिए उन्होंने इस मसले में हस्तक्षेप करने का निश्चय किया। गाय और बछड़े का रूप धरकर वे चोल राजा के यहाँ रहने लगे। ग्वाला उन दोनों को रोज शेषाद्री नदी के किनारे घास चराने ले जाता था, जहाँ विष्णु बिना किसी जीविका के साधन के वास कर रहे थे। गाय रूपी भगवान ब्रह्मा
अपना सारा दूध विष्णु को दे आते थे। ग्वाला यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी गाय का दूध जा कहाँ रहा है। एक दिन गाय का पीछा करता हुआ शेषाद्री नदी के समीप पहाड़ी पर पहुंच गया, जहाँ विष्णु का वास था। ये जानने की कोशिश में कि पहाड़ी के भीतर कौन है, उसने अपनी कुल्हाड़ी उस पहाड़ी पर मारी जो विष्णु जी को लग गई। अपने शरीर से बहते खून को रोकने के लिए भगवान विष्णु जड़ी बूटियों की खोज में भगवान बराह स्वामी, जो सुअर के रूप में विष्णु के तीसरे अवतार थे, की समाधि के पास पहुंच गए, जहां उन्हें वास करने की आज्ञा मिल गई। और वो भी इस शर्त पर कि विष्णु के सभी भक्त उनसे पहले वराह स्वामी की पूजा करेंगे। विष्णु वहीं अपना आश्रम बनाकर रहने लगे। और एक दिन वकुला देवी नाम की महिला उस आश्रम में आई, जिन्होंने एक माँ की तरह उनकी देखभाल की। राजा आकाश राजन की अपनी कोई संतान नहीं थी। और एक दिन उन्हें बगीचे में एक छोटी बच्ची मिली, जिसे उन्होंने अपनी बेटी बना लिया और नाम रखा पद्मावती। पद्मावती बेहद शालीन और खूबसूरत थी। पद्मावती को ये वरदान प्राप्त था कि उनका विवाह भगवान विष्णु से होगा। वकुला देवी ने विष्णु का नाम श्रीनिवासन रखा था। एक दिन बहुत प्यास लगने की वजह से श्रीनिवासन तालाब के किनारे पानी पीने गए, जहां उन्होंने पद्मावती को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। पद्मावती को भी विष्णु भा गए, लेकिन लोगों ने उन्हें एक आम शिकारी समझकर वहां से भगा दिया। बाद में विष्णु जी ने वकुला देवी को अपनी हकीकत बताई और कहा कि वह स्वयं जाकर पद्मावती के पिता राजा आकाश राजन से बात करें। संतों और ज्योतिषाचार्यों से बात कर राजा ने दोनों के विवाह का मुहूर्त बैसाख से 13वें दिन का निकलवाया। श्रीनिवासन ने कुबेर से 14 लाख सोने के सिक्के उधार लेकर शादी के इंतजाम किए और पद्मावती के साथ परिणय सूत्र में बंध गए। लक्ष्मी जी भी श्रीनिवासन के दायित्वों और उनकी प्रतिबद्धता को समझ गए और दोनों के बीच हस्तक्षेप ना कर सदैव के लिए विष्णु जी के दिल में रहने का निश्चय किया।